हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम सीखने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये एक टेक्निक है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके पास ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3, 2 1 4 0 1 2, तो इसके माइनर्स निकालने हैं। तो माइनर निकालने के लिए हमें, मान लीजिए, पहली रो और पहले कॉलम का माइनर निकालना है M11। माइनर, M इज इंडिकेटिंग माइनर, माइनर निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन का। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन को आप ऐसे छुपा लें, आपके पास आएगा 1 4 1 2। एक डिटर्मिनेंट बना दें आप, तो ये डिटर्मिनेंट होगा, तो 1 4 1 2 ये एक डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू निकाल दे। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4, ये आपके आगे पास आ गया -2। M12 निकालना है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छुपा लें, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को, जो आपके पास बचा 2 4 0 2, तो उसको लिख दें 2 4 0 2, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में लिख दें। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 0। अब M13 निकालना है आपको, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपाएंगे आप, तो आपके पास M13 आ जाएगा। तो ये आगे आपको इसको छुपा लें, 2 1 0 1, दिस इंटू दिस 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, विच इज 2। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अब आप किसको छुपा लेंगे, सेकेंड रो इसको और फर्स्ट कॉलम इसको, आपके पास आएगा 2 3 1 2, लिख दें आप 2 3 1 2, 2 2 4 माइनस 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3 इज 1। अब आप निकाल लें M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपा लें, इसको छुपा लिया इसको छुपा लिया, तो आपके पास देखिए इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, 1 3 0 2, 1 3 0 2, 1 3 0 2, सेकेंड रो ये गई सेकेंड कॉलम ये गया, 1 3 0 2, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0, तो हो जाएगा 2 माइनस 0 2। ये डिटर्मिनेंट 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट ABCD, इसकी वैल्यू निकालना है ऐसे, है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस AD माइनस BC, ऐसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, ये इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है। ये तो आपको आता ही है, इसलिए कोई खास बात नहीं। अब आप देखिए M22 के बाद क्या आएगा, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 0 1 बचेगा आपके पास, 1 2 0 1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस 0 इज 1। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये गई और फर्स्ट कॉलम ये गया, 2 3 1 4 बचेगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4, दिस इंटू दिस माइनस दिस, 2 4 जा 8 माइनस 3 इंटू 1, ये आ गया आपके पास 5। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो ये गई सेकेंड कॉलम ये गया, 1 3 2 4 बचा आपके पास, 1 3 2 4, दिस इंटू दिस 4 माइनस 6 माइनस 2। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये थर्ड कॉलम ये, 1 2 2 1, ये आपके पास बच गया 1 2 2 1, तो 1 इंटू 1 1, माइनस 2 2 जा 4 माइनस 3 आ गया आपके पास। तो इस तरीके से हमने देखे कि माइनर्स कैसे निकालना है। अब कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर ध्यान से सुनिए, CIJ, कोफैक्टर और माइनर में थोड़ा सा अंतर है। CIJ इनोट्स कोफैक्टर, क्या होता है, -1 to the power i + j MIJ। तो जो माइनर्स है उन माइनर्स में किसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता, -1 to the power i + j का, जैसे इस केस में था, इस केस में, इसी केस में, फॉर एग्जाम्पल इन द सेम क्वेश्चन क्वेश्चन C11 क्या होता, C11 मीन्स कोफैक्टर ऑफ 11, -1 to the power 1 + 1 M11, तो M11 का वैल्यू कितना है आपके पास, -2, तो ये हो जाता -1 to the power 2 into M11 का वैल्यू -2,
क्या हो जाता है ये माइनस वन स्क्वायर प्लस प्लस इंटू माइनस 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 टू। अगर C12 निकालना होता तो C12 निकालना होता तो माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू एम वन टू, माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू इज माइनस वन, एम वन टू का वैल्यू आप वहाँ से उठा लें फोर, तो ये जाएगा आपके पास माइनस फोर। C13 निकालना है माइनस वन टू द पावर वन प्लस थ्री एम वन थ्री, तो माइनस वन टू द पावर वन प्लस थ्री इज प्लस वन, एम वन थ्री आप देख लें वहाँ से कितना है टू, तो आपका आंसर आ गया टू। C21 तो यह आ जाएगा माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन, पावर बीइंग ऑड माइनस ही आएगा, और M21 M21 की वैल्यू उठा ले वहाँ से वन है माइनस वन इंटू वन कितना आया माइनस वन। C22 माइनस वन टू द पावर टू प्लस टू एम टू टू, तो माइनस वन टू द पावर टू प्लस टू होगा प्लस वन, एम टू टू का वैल्यू आप ले लें वहाँ से, एम टू टू का वैल्यू है टू, तो ये जाएगा आपका टू। सी टू थ्री माइनस वन टू द पावर टू प्लस थ्री एम टू थ्री, तो सी टू थ्री माइनस वन टू द पावर टू प्लस थ्री, तो माइनस वन टू द पावर टू प्लस थ्री माइनस वन, और टू प्लस एम टू थ्री का वैल्यू, एम टू थ्री का वैल्यू आप देखें वन, तो दिस इज माइनस वन। सी थ्री वन माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस वन एम थ्री वन, माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस वन इज प्लस वन, और एम थ्री वन का वैल्यू देखिए क्या है फाइव है, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइव। अब अगर आप सी थ्री टू निकालना जा रहे हैं तो सी थ्री टू क्या होगा माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस टू विच इज माइनस, और थ्री टू का वैल्यू कितना है एम थ्री टू का वैल्यू माइनस टू है, तो माइनस ऑफ माइनस टू क्या होगा प्लस टू। सी थ्री थ्री माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस थ्री विच इज प्लस, और एम थ्री थ्री का वैल्यू है माइनस थ्री, तो प्लस इंटू माइनस थ्री इज माइनस थ्री। तो दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब एक और मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हम डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो डायरेक्ट कोफैक्टर निकालने के लिए एक ऐसे मैट्रिक्स का विचार करते हैं और डायरेक्ट निकालते हैं। एक मैट्रिक्स लिया हमने बी टू जीरो वन वन टू माइनस टू जीरो वन थ्री, इसमें कोफैक्टर्स निकालते हैं डायरेक्ट। तो सी वन वन क्या होगा माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन, पहली रो और पहला कॉलम गया, पहली रो पहला कॉलम गया, क्या बचेगा टू माइनस टू वन थ्री, डायरेक्ट निकाले बिना माइनर निकाले। सी वन टू माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू, ये गया और ये गया, ये और ये तो वन माइनस टू जीरो थ्री, वन माइनस टू जीरो थ्री। सी वन थ्री माइनस वन टू द पावर वन प्लस थ्री, ये गया और ये गया, क्या बचेगा आपके पास वन टू जीरो वन। पेंसिल से आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं ताकि रब भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं। सी टू वन माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन, ये गया सेकेंड और ये गया, जीरो वन वन थ्री। सी टू टू माइनस वन टू द पावर टू प्लस टू माइनस वन टू, ये गया टू वन जीरो थ्री। अब क्या निकालना आपको, सी टू टू तक निकाल दिया, सी टू थ्री सी टू थ्री सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये और थर्ड कॉलम ये, टू जीरो जीरो वन टू जीरो जीरो वन। सी थ्री वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड, जीरो वन टू माइनस टू जीरो वन टू माइनस टू, और ये जाएगा माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस वन। सी थ्री टू माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस टू, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, टू वन वन माइनस टू। सी थ्री थ्री माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस थ्री, ये गया टू जीरो वन टू टू जीरो वन टू। ये आपके सारे को फैक्टर्स आ गए, नाउ यू कैन कैलकुलेट देम। अब आप इनको कैलकुलेट कर लें और इनको अगर आप जमा देते हैं किसी मैट्रिक्स में तो वो को फैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा।
तो वो क्या बन जाएगा आपका, कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, सी से डिनोट करते हैं, मान लीजिए C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इसमें जमा देंगे तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बन जाएगा। तो देखिए 2, 3 या 6 और माइनस 1 × -2 6 + 2 8 और ये प्लस, ये देखिए 3 - 0 और ये माइनस का है तो -3, ये कितना हो गया 1 × 1 और ये प्लस, ये आ गया आपका, आप कैलकुलेट करना, क्रॉस चेक करना, मुझे बताना कोई गड़बड़ होगी तो। ये आएगा 1 आएगा आपके पास, ये आएगा 6, ये आएगा आपका 2 - 2, ये आएगा आपका -2 × -2, ये आएगा -4 - 1 5 + 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। ये सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो 8 - 3 1 1, 6 - 2 - 2 5 4। एक मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूँ मैं, जिसमें आप सीख सकेंगे। एक आप मान लीजिए कि क्वेश्चन है सी, या सी ना नाम देके उसको वापस ए नाम दे देते हैं, 2 - 1 - 3 1 - 2 4 0 - 1 - 1, इसका आपको कोफैक्टर निकालना है। तो आप इसका कोफैक्टर निकालिए, मैं इसका डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल देता हूँ। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, आप भी आसानी से निकाल सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। आप अगर घड़ी देख के चलेंगे तो आपको एक मिनट का भी समय नहीं लगेगा। इसका निकालना है तो इसको इसको छुपा लिया, -2 - 4 - 2 - 4 - -6, ये गया ये गया, 1 × -1 - 1, ये गया ये गया 1, ये गया ये गया, -1 + 3 ये जाएगा 2, ये गया ये गया -2, ये गया ये गया तो 2, ये गया ये गया तो ये हो जाएगा 4 + 6 = 10, ये गया ये गया तो 4 × 2 = 8 + 3 = 11, ये गया ये गया 4 - 1 = 3। आई मीन्स 4 के साइन चेंज करने पड़ते हैं, किनके, इसके जो इस पोजीशन पे आते हैं, इन 4 के साइन चेंज कर दो बस, ये आपका कोफैक्टर निकल गया। और आपने देखा एक मिनट से भी कम का समय लगा। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं और मुझे लिख सकते हैं। आप कोफैक्टर सिस्टमेटिकली निकाल के इसे चेक करें। विश यू ऑल द बेस्ट। आपने अगर चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो करना है, इसे भूलना नहीं है।